उसके सामने किसी का टिकना भी बहुत कठिन था। और उस समय महाभारत युद्ध के ज्ञाता महाभारत युद्ध में श्रेष्ठ करने वाले भगवान श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन में रहते थे। बाणासुर की बेटी चित्रलेखा जो थी एक दिन वह सो गई और उसके सपने में श्री कृष्ण के पौत्र पत्नी के पुत्र अनिरुद्ध उसके सपने में दिखे और उसको देखने के सपने में देखी तो उसने कहा कि मैं इसी के साथ शादी करूंगी। और अपनी सहेली को उसने कहा कि ये लड़का बाहर में वही लड़का है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो इतने मायावी थे कि संसार का किसी का भी अगर वो चाहते कि बलाना मेरे आदमी को दिखना है उस कक्ष को तो आगे का जितने साल तक भी प्यारा है वैसा वो माता के पास माता के रक्षक स्थल पर उस चित्र को देखते उन्होंने देखा कि एक एक चित्र को बुलाने के जब अनिरुद्ध दिखा तो चित्रलेखा ने कहा मुझे यही लड़के से शादी करना है। जब पता चला तो वो तो कृष्ण के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महामाया रूपी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उसके साथ शादी कैसे करें। तो बाणासुर की चित्रलेखा और उसकी जो सहेली थी उन्होंने कहा मैं करेंगे तो शादी इसके साथ करेंगे नहीं तो नहीं। चित्रलेखा की सहेली ने जब प्रद्युम्न सोया हुआ था तो आपको पता है गुरु जी ने बहुत सारी ऐसी वीर साधनाएं विकार साधनाएं की है कि किसी को भी हम अगर साधना सिद्ध करते हैं तो हम उसको घर में बैठे बैठे पलंग के साथ उठाकर के स्थान पर लाना चले जाते हैं। अगर आप शावर विधान गुरु का पुस्तक देखें एक शावर विधान के स्थान था उसमें गुरु जी ने यह बात कही है एक साधु थे जो पाकिस्तान के किसी गाँव से उसकी सिद्धि और किसी को उठाकर वो असम गुवाहाटी पे बाणासुर के रहते में लेके चले इधर माता रुक्मिणी अपने पुत्र को न देखकर परेशान हो कि मेरा पुत्र कहाँ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे रहते हुए मेरे घर से पुत्र लेकर मैं इतना शक्तिमान हूँ। अब वो रुक्मिणी माता आकर रोने लगी धोने लगी आपके रहते हुए पुत्र चला गया आप उसको देखते नहीं कुछ करते नहीं उसके बाद में सोचा कि ये कैसा हुआ। अब कृष्ण ने अपनी शक्ति को विज्ञान से माता को बुलाया और कहा कि मेरा पुत्र कहाँ गया। तो उसने देखा कि उनके पुत्र को बाणासुर उठा के ले गया है उसको पुत्र उसके साथ शादी करना चाहिए वो अभी भी नहीं कर पाया। आजकल तो हम इस ऐसी शाखा को सोच भी नहीं सकते लेकिन गुरु ने साधन विधान में ऐसी शाखाएं संपन्न की है। अगर कामाख्या में आप जाओ तो बहुत बड़े सिद्ध योगी लोना चमारी नाम की एक सारिका का नाम देते हैं उसका सम्मान के साथ आदर गौरव के साथ देना जो बहुत बड़ी सिद्ध शारदा की साधिका थी। और ऐसे ही साधना में बाणासुर की बहुत चित्रलेखा और उसकी बहन की जो अनिरुद्ध को उठा के ले जाते हैं तो श्री कृष्ण को जो पता चलता है उसने उनको उठा लेके गए हैं तो श्री कृष्ण बाणासुर के साथ युद्ध में जाकर उनको अपने पुत्र को उठा के लाते हैं उसके साथ साधना शादी के बारे में विचार करने जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद कृष्ण को पूछते हैं कि इतना आपके पास अगर ले जाते तो मामूली मनुष्यों को क्या इतनी साधना ऐसी कौन सी साधना उनके पास है जो आपको यहाँ से लेके गई। कृष्ण भी विचार में जाते हैं कि ऐसी साधना कौन सी। बाद में जब पंच पांडव का वनवास हो जाता है तो पंच पांडव में श्री कृष्ण ढूंढते रहते हैं कि ऐसी साधना और किसी के लिए सिद्ध की है। तो जब पता चलता है कि हिडिंबा स्वरूप बहुत ही श्रेष्ठता के साथ युद्ध कर रहा है और पांडवों को बदलते हुए जब दक्षिण गृह में दुर्योधन जलाने के लिए पांडव को जाता है तो एक गुफा के पास से जब बाहर जंगल में निकलते हैं तो जंगल में निकलने का स्थल और हिडिंबासुर का राक्षस का स्थान था। जब ये पता चला और हिडिंबासुर को भूख लगी तो उसने कहा अरे मेरे पास पांच लोग आए हैं उनको बता सकते हैं। और कृष्ण की माया से कृष्ण कहते हैं कि फिर भी मुझे हिडिंबासुर को मारना है। और फिर उनका हिडिंबासुर युद्ध होता है हिडिंबासुर की माया भी था उसको हिडिंबासुर को मार देते हैं। मार देने के बाद उनकी बेटी हिडिंबा तो भीम को देखने के बाद कहते हैं कि इतना बलशाली मैं मेरे पिताजी को मार सका
तो कृष्ण कहते हैं कि उस कृपा को देखने के बाद बोलते हैं हाँ ये साधिका है जिसने इसने माया की साधना बहुत सफल की है। अगर हम इस कृपा को अपने वश में कर लेते हैं तो हमें आगे के युग में काम आएंगे। और भीमसेन को कहते हैं भीमसेन को एक फूल ले लो तुम्हारे पास रखो और हिडिंबा के सामने जाओ। जैसे ही हिडिंबा के सामने भीड़ जाते हैं तो हिडिंबा कहते हैं ये भीमसेन ने तुम्हारे से शादी करना चाहता है। भीड़ कहते हैं वो सब नहीं हो सकता मेरी माँ के आगे मैं शादी नहीं करता। जब माता के पास आती है तो कृष्ण पहले ही पहुंच जाते हैं उनकी माता के पास। कहते हैं कि भीम जिस बात को यहाँ आए तुम्हें हाँ कह दो कृष्ण की बात नहीं करते। तो जैसे कहते हैं कि माँ मेरे बात मेरे पीछे औरत पड़ी है जो हिडिंबा सिंह की बेटी के लगे जिसका नाम हिडिंबा है वो कहती मैं उसके साथ शादी कर दूँ। कृष्ण की आज्ञा है इनको हाँ कर लो। माँ तो कहती हाँ कर ले शादी। माँ तो क्या कह रही वो राक्षस की बेटी है उसके साथ नहीं करना है। नहीं बेटा ये करना है तो कर लो। हिडिंबा के साथ भीम सिंह की शादी है उनको तो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम घटोत्कच मान आप सब लोग जानते हैं। उस घटोत्कच के को पूर्ण होने के बाद घटोत्कच जैसा बढ़ता गया और भी हिडिंबा को आए थे क्योंकि हिडिंबा एक आदत है वहाँ हस्तिनापुर में नहीं आऊंगी केवल भीम को यहाँ शादी करके मेरे को सम्मान देने के बाद मैं यहाँ साधना करके रखी। और हिडिंबा ने बहुत सारी कामाख्या की साधनाएं उनसे संपर्क करवाई घटोत्कच से। घटोत्कच जैसा महावीर भी बहुत कम और माया भी थी कोई तो नहीं था उसके पास माया भी साधनाएं बहुत सारी। और कृष्ण का ध्येय था कि घटोत्कच को आने वाले पुरुषों के हित में उसका उपयोग करना है। घटोत्कच वहाँ पड़ा हुआ सपना और हिडिंबा को आशीर्वाद दिया गया तो वो आगे चलकर बहुत से इसके बाद की बात जैसे बाणासुर को कृष्ण ने मारा ये पता चला तो बाणासुर का ही सिंह वो भाई था नरकासुर। नरकासुर को पता चला कि मेरे भाई को कृष्ण ने मारा है तो नरकासुर ने युद्ध प्रकट कर दिया कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण वही कामाख्या देवी के पास नरकासुर कामाख्या में रहता है कृष्ण वहां गए युद्ध के लिए लेकिन नरकासुर के सामने उनकी कुछ नीचे और रथ में बैठे हुए कृष्ण जब नरकासुर ने बाण छोड़ा तो कृष्ण पूछी हो गए अरे आप इसकी ऊपर से कह सकते हैं कि कामाख्या में कितनी बड़ी सिद्धियां थी। कृष्ण पूछित हो गए हैं जब देखकर सत्य भामा जो पृथ्वी की तत्व वाली पृथ्वी की पुत्री के लिए जाते हैं उसके नाम क्या मेरे कृष्ण पूछित हो गए। तब नरकासुर को मारने के लिए सत्य भामा अपने उस कामाख्या को पृथ्वी को अवमानित करते हैं नरकासुर को मार देती है। नरकासुर का वध सत्य भामा के हाथों से हुआ और कृष्ण को पूछा से होता कि कृष्ण कहते हैं कि ये क्या विद्या है मैं यहाँ ही पूछी हो गया मैंने इसके इसके शुरू फिर सत्य भामा को लेकर कृष्ण जैसे ही चले जाते हैं उसके बाद नरकासुर का एक सैनिक होता है उसका नाम वीरभद्र सिंह वो भी बहुत बड़ा ताकतवर साधक था। वीरभद्र सिंह को पता चला कृष्ण ने मार दिया और नरकासुर और कृष्ण जाने से पहले उनको पता चल जाता है कि मोरवी जो माया है वो तो मारने के लिए तैयार है। तो उन्होंने क्या कहा कि हे घटोत्कच तुम्हें अब एक बात बोलता हूँ तुम मेरे अभी के आपने सुना क्या तुम्हें कामाख्या आपके पास जाना जाना क्या करवा विजय भद्र सिंह के साथ जो स्त्री बैठी है उसका नाम बोल रहे किसी भी तरह तुम उसको आकर्षण करके उसकी सहायता दिखा आप गया घटोत्कच गया और जब देखा मोरू बैठी थी महाराज के साथ बोली तो कौन है उसने कहा मैं तेरे तेरा चाहने वाला तुझे बुद्धि होनी चाहिए मेरे जैसी शादी करनी चाहिए बड़े बड़े लोग आकर के किसी के साथ नहीं आए मैं तेरे साथ बैठने की करती हूँ। घटोत्कच को उसने कहा घटोत्कच ने कहा कि मैं तुझे कहता किसी को भी बुला किसी को भी मैं उसको हराया तो ही तो कहना कि मैं तुम मेरे साथ शादी कर ले तो करें और उन्होंने कहा भाई इतनी माया हूँ यह मेरे साथ क्या देखेगा लेकिन युद्ध हुआ तो घटोत्कच के पीछे कृष्ण खड़े थे और कृष्ण मौर्य से जीत के उसने कहा तुम्हारे में से शरीर ही बल है मानसिक बल है मात्र बुद्धि ही है बुद्धि है घटोत्कच को राक्षस कहते हो
हमारे पास बुद्धि नहीं है, इसका परिमाण, इसका प्रमाण दो कि हमारे पास बुद्धि है तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूं।